नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रवा इडली। इसे पहले से भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1.5 कप सूजी ली है। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। 2 कप दही, 2 बड़े चम्मच तेल बैटर में डालने के लिए, 1 चम्मच तेल अलग से छौंक लगाने के लिए, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच धुली उड़द की दाल, 8-10 करी पत्ते, 1 चम्मच भुने हुए चने की दाल, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी पाउडर, 8-10 काजू जिनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 चम्मच घी इडली के मोल्ड को ग्रीस करने के लिए। सबसे पहले हम दही को एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सूजी मिक्स कर लेंगे। इसमें ऑयल डाल लेंगे। नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखेंगे, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली। सूजी का घोल तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए छौंक बना लेंगे। इडली को स्टीम करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया है। छौंक पकाने के लिए छौंक के बर्तन में तेल को गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें सरसों डाल देंगे, उड़द की दाल, इसको मिक्स कर लेंगे। उड़द की दाल को थोड़ा ज़्यादा भूनना होता है, इसलिए पहले उड़द की दाल डाल दी है। ये भुन गई है। अब इसमें भुने हुए चने की दाल डाल देंगे, कड़ी पत्ता, काजू, सबको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये भुन गए हैं। गैस बंद कर देंगे। अब जो हमने छौंक तैयार किया है इसको इसमें डाल देंगे। ये घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दही और मिला लेंगे। 1/2 कप के करीब मैंने दही इसमें और मिला दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ घोल बना लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाते, दही से ही इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इडली बहुत फूली फूली और नरम बनती हैं। ये मिक्स हो गया है। अब हम इडली के मोल्ड में घी लगा लेंगे। हमने इनको अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। अब लास्ट में इसमें इनो पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे ताकि इसमें जाली पड़ जाए। जाली पड़ने से इडली बहुत अच्छी बनती है। और इनो पाउडर डालने के बाद इसको बहुत देर तक नहीं चलाएंगे और बहुत देर तक रखेंगे नहीं। ये मिक्स हो गया है। अब हम इडली के मोल्ड में इनको 1-1 चम्मच डाल देंगे। इडली के बैटर को हमने मोल्ड में डाल लिया है। अब हम इसको स्टैंड में लगाएंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम स्टैंड को स्टीम होने के लिए इस बर्तन में रख देंगे और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लगभग स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं।
इडली भी स्टीम हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे। इंस्टेंट रवा इडली बनकर तैयार है। आप इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ खा सकते हैं। नारियल की चटनी और सांभर की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही डाली हुई है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।